हाँ, सो बात कह रहे थे कि ये जो टेंसर है इसको हमने सॉर्ट ऑफ बस कह दिया क्योंकि ये कर्वेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप में से कोई कुछ बहुत सारा मैथमेटिक्स करता है, कुछ रिसर्च करता है, कुछ सोचता है और एक दूसरा टू इंडेक्स टेंसर खोज लेता है जो कि कर्वेचर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मैं वो नया एच म्यू न्यू को इस साइड रखूंगा और टी म्यू न्यू से कंपेयर करूंगा, तो उसमें क्या गलत है, क्या वैसा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने वही किया, कहा कर्वेचर का रिप्रेजेंटेटिव ये है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रख दो। तो वैसा कुछ अगर आप दूसरा फॉर्म में, क्योंकि यूनिक तो है नहीं, ऐसे ही हमने देखा कि एक्स्ट्रा टर्म लगा दोगे तो भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो अगर ये यूनिक नहीं है तो कोई और स्ट्रक्चर ऑफ टेंसर आप निकाल सकते हो, ईजाद कर सकते हो जो कि वहाँ पे रखा जा सकता है। मेन बात तो वो पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन है, अभी भी क्लोज नहीं है। हालांकि ये जो टेंसर का स्ट्रक्चर है ये अभी तक के सारे ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई करता आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई करता आ रहा है, तो फॉर द मोस्ट पार्ट ये चीज़ एक्यूरेट है, ऐसा हम मानते हुए अभी तक चल रहे हैं। इसका कोई बेटर सॉल्यूशन, बेटर ऑल्टरनेटिव हमारे पास अभी नहीं आया है, ठीक। प्लस ये जो चीज़ है लैम्डा जी म्यू न्यू, ये फैक्टर है, इसको आइंस्टाइन ने शुरू में जो सॉल्यूशन निकाला था, शुरू में जब इस फॉर्म में सॉल्यूशन की बात की थी तो इस चीज़ को उसने ऐड कर दिया था। फिर उसने बोला कि वो तो ठीक है, मैं इस कांस्टेंट को मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो जो टेंसर बचेगा उसी को यूज़ करना चाहिए, ये एक्यूरेट सॉल्यूशन है, ये लैम्डा असल में ज़ीरो होता है, ऐसा उसका कहना था। और उसने कहा था कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरा बिगेस्ट ब्लंडर था इस कॉस्मोलॉजिकल इस कांस्टेंट वाले फैक्टर को ऐड करना, ऐसा उसका मानना था, और ये चीज़ होनी चाहिए ज़ीरो, इसके कारण चीज़ें बहुत ढीले हुई, ऐसा वैसा वो उसका मानना था, ठीक है। और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था कि ये इक्वेशन अच्छा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा लगा दो कि थोड़ा अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यूनिवर्स में ऐसा होना नीचे, ऐसे कुछ हल्का फुल्का उसने आर्ग्यूमेंट दिया था। हालांकि बाद में पता चला, बाद में और ऑब्जर्वेशन से, कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं होती, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, हालांकि नॉन ज़ीरो होती है, तो वो चीज़ हम लोगों ने बाद में पता लगाई। इसके बारे में हम लोग कॉस्मोलॉजी में थोड़ा बात करेंगे कि ये क्या होती है, क्या नहीं होती है एट्सेट्रा, जब कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे। फिलहाल ये जो सिचुएशन है ये आपका जनरल रिलेटिविटी का स्टेटमेंट है, ये जनरल रिलेटिविटी है, मास एनर्जी वाला हिस्सा इधर, कर्वेचर वाला हिस्सा इधर, कर्वेचर आपको पता है तो फिर कोई भी बॉडी उस कर्वेचर में कैसा बिहेव करेगी वो जियोडेसिक इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट शुरू से आपको क्या पता रहता है यूनिवर्स के बारे में, तो आप कहते हो कि आपको लेफ्ट साइड पता होता है, जो लेफ्ट साइड बोलेंगे कौन सा, हाँ लेफ्ट साइड बात करें तो लेफ्ट साइड आपको पता होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आप कहते हो कि भाई मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है किस चीज़ के लिए, किस सिचुएशन के लिए, तो हम ऐसे सिचुएशन के लिए फाइंड आउट करनी है जिसमें एक स्टार हो, कांस्टेंट डेंसिटी का स्टार, मान लो ऐसा कुछ होता नहीं है पर कांस्टेंट डेंसिटी का एक स्टार है और उससे किसी हायर डिस्टेंस पे, यहाँ पे उसके कारण कोई एक एस्टेरॉयड मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा, या फिर कोई एक बीम ऑफ लाइट है वो कैसे जाएगी, और फिर हमने देखा बीम ऑफ लाइट भी स्ट्रेट जाए ये ज़रूरी नहीं है, उसकी भी वो भी बेंड हो सकता है, ऐसा कुछ हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें स्टार है, रोटेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट डेंसिटी का है, रुका हुआ है, इसके लिए टी म्यू न्यू हमको पता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से, और फिर उसको जी म्यू न्यू से इक्वेट करते हैं, और फिर फाइनली सॉल्व कर वगैरह के हम लोग मैट्रिक टेंसर क्या डेवलप होगा वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस में, तो इस प्रॉब्लम को जिसमें स्टार रुका हुआ है कांस्टेंट डेंसिटी का है अपनी जगह पे और किसी डिस्टेंस पे हमको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाहरी पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं स्वाश्चाइल्ड सॉल्यूशन, और वहाँ पे जी म्यू न्यू की कुछ वैल्यू आती है वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनता है, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस उनको सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनली मैट्रिक टेंसर मिलता है जिससे ये सारे क्वांटिटीज़ बने हुए हैं, जी आर और आर म्यू न्यू और क्रिस्टोफर सिंबल, तो ये चीज़ हमको मिलती है। तो
तो हमको स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाता है कि कैसा कर्विंग है वहाँ पे। फिर जियोडेसिक इक्वेशन वगैरह लगा के अलग अलग पार्टिकल्स के मोशन को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है स्वार्ट्ज़शाइल्ड प्रॉब्लम, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम डील करेंगे, ओके। मेन क्रक्स जनरल रिलेटिविटी का बस यही है, मेन क्रक्स ये है, ये इस फॉर्म में, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैथमेटिक्स ज़्यादा है, बाकी कंसेप्ट वाइज कुछ बहुत बड़ा नहीं है।